हम मिट्टी को हमेशा कुम्हार से और बर्तनों से जोड़ लेते हैं। जैसे ही मिट्टी की बात करते हैं हमें लगता है वो दिवाली के दिए, वो मटका, वो घड़ा। एक्चुअली वो उससे बहुत बड़ी आर्ट है। वही जो प्लेट मैं 100 रुपए की बेच सकता था, जो मैं कटोरी को 50 रुपए की, वही जो मैंने गणेश जी बनाए या हाथी बनाया वो मैं 2000 का बेचा। अब हमारा एक एक पॉट 3 से 5 हजार रुपए का सेल होता है। एक हमारे यहाँ बहुत अच्छे स्कूल है, उसकी टीचर आती है, साइकोलॉजिस्ट है, तो वो उसको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे आती हैं। हमारा सेंटर इसीलिए है कि आपको स्ट्रेस रिलीज करना है आप तब भी आइए, आपके बच्चे को मोबाइल रिड्यूस करना है आप तब भी आइए, और आपको एक लॉन्ग टर्म में आप बचपन में सीखना चाहते थे और नहीं सीख पाए तब भी आइए। हेलो व्यूवर्स, आज हम यहाँ पर मिलने जा रहे हैं श्री विनय अस्थाना जी से, जो कि पॉटरी स्टूडियो हल्द्वानी के फाउंडर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद। जो पॉटरी स्टूडियो का जो आपका आइडिया है यहाँ पे, ये आइडिया आपका कैसे आया और यहाँ पे हम एक्चुअली क्या काम कर रहे हैं? सर पॉटरी स्टूडियो का कॉन्सेप्ट पैंडमिक के टाइम में आया। मेरी अपनी एक एडटेक कंपनी है क्वेस्टेड सॉल्यूशंस की, और मैं पिछले 15 साल से स्कूलों से जुड़ा हूँ, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें प्रमोट करते हैं जो एडटेक से रिलेटेड है। पैंडमिक में हमने रियलाइज़ किया जिस समय बच्चे घर पे, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, क्या चीज़ ऐसी करें जिससे हम उनका स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें। थोड़ा दिल के करीब भी थी मिट्टी, और हम लोग का ग्रामीण परिवेश है, तो हुआ कि मिट्टी से जुड़ा काम शुरू करते हैं, तो उससे पॉटरी स्टूडियो की फाउंडेशन बनी। अच्छा ठीक है सर, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसके दो एरिया पे हमने बात की थी। एक वो जो इसमें फाइन आर्ट्स में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, दूसरे वो जिनका कैरियर कहीं पे स्टेब्लिश है लेकिन मन में कहीं इच्छा है, या जो स्ट्रेस रिलीज के लिए आप कह रहे थे, तो उन दोनों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहले हम सेक्शन पे करेंगे जो आपका इसमें कैरियर अगर किसी को बनाना है। सर अभी तक कैरियर को जो डिफाइन किया गया है, पहले इंजीनियरिंग डॉक्टर्स, उसके बाद अभी जो रिसेंट का ट्रेंड है IAS और PCS। आर्ट को हम लोगों ने बहुत ध्यान से नहीं देखा, मैंने खुद भी नहीं देखा, पिछले 5 साल का ऑब्जर्वेशन है। जब मैंने ये काम शुरू किया, क्योंकि मैं आर्ट बैकग्राउंड से नहीं है, मैं टेक्निकली इंजीनियर हूँ, तो मैंने देखा ये बहुत बड़ी विधा है जिसको हम अनटच किया है। अब आप बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स और मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स है विजुअल आर्ट्स में, जिसमें सेरामिक भी हो गया, जिसमें स्कल्चर भी हो गया, जिसमें ड्राइंग भी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। भारतीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, BHU में फाइन आर्ट्स का कोर्स होता है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट में होता है, इसके अलावा साउथ के भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो जो हमारे पास, आप देखिए अभी जो राम मंदिर की मूर्ति बनी, एक मूर्तिकार ने बनाई, करोड़ों रुपए का पेमेंट हुआ। एक एक पेंटिंग बहुत महंगी बिकती है। हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट इस समय बना रहा है वो भी BHU से है। अब हमारा एक एक पॉट 3 से 5 हजार रुपए का सेल होता है। ठीक है, हम मिट्टी को हमेशा कुम्हार से और बर्तनों से जोड़ लेते हैं। जैसे ही मिट्टी की बात करते हैं हमें लगता है वो दिवाली के दिए, वो मटका, वो घड़ा। एक्चुअली वो उससे बहुत बड़ी आर्ट है। अभी भीमताल में एक आर्टिस्ट रह रही हैं, इंटरनेशनल लेवल की आर्टिस्ट हैं, वो हमारे यहाँ से सामान लेके गए, आप मानेंगे नहीं, वो एट ए टाइम 20 हजार रुपए का सामान लेके गए। ठीक है, तो आर्ट को अगर हम कॉमर्शियली भी देखें तो आर्टिस्ट का बहुत अच्छा फ्यूचर है। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जिनकी आर्ट की इच्छा थी लेकिन चाहे पेरेंट का दबाव था या सामाजिक रूप से, हम अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए काम करते हैं। जब हमें लगता है एक मिड एज में आके हम थोड़े से सेटल है, तो हम वो चीज़ें करना चाहते हैं। जैसे मुझे म्यूजिक सीखनी है, मुझे आर्ट करनी है, अब मैंने वो चीज़ें ट्राई करी। तो जो मेरा इंस्टीट्यूट है लालडाट पे मैट्रिक्स हॉस्पिटल के पास, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, शहर के नामी बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट्स हैं, वर्क फ्रॉम होम में करने वाली लेडीज़ हैं, जो आके अपना शौक 1 दिन 2 दिन 5 दिन के लिए कर रहे हैं। और जो करंट सिचुएशन में बच्चे हैं, इन जनरेशन को हम लोग कहते हैं ये रील वाली जनरेशन है, हमने 3 घंटे की पिक्चर देखी, थोड़े और बीच के लोगों ने 2 घंटे की पिक्चर देखी, अब 45 मिनट का एपिसोड और 15 सेकंड की रील है अगर, तो ये बच्चों का जो वो है जिसे कहते हैं ना रिटेंशन टाइम, वो कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो पॉटरी में आने के बाद कंसंट्रेशन भी पड़ता है। अच्छा सर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, जो साइकोलॉजिस्ट आपने आप बता रहे थे, वो कह रहे थे कि आप नेगेटिविटी उसे निकाल रहे हैं, थोड़ा वो प्रोसेस आप बताएंगे। सर इसका ये है कि जैसे हमने कोई भी चीज़ है, पॉटरी हमने शुरू करी, तो उसके अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज़ है, भगवान से भी जुड़ा हुआ है, तो कृष्ण को कोई बाल रूप में देखता है जो बहुत प्यारे हैं, कृष्ण को कोई बहुत अच्छा लवर के रूप में भी देखता है, आज हम जन्माष्टमी पे बात कर रहे हैं, कृष्ण को कोई बहुत देखता है तो धर्म युद्ध में, एक डिसीजन के मेकिंग में, तो सबका इंटेक अलग अलग है, आप किस एज में ले रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ पॉटरी है तो पॉटरी का इंटेक अलग अलग है,
मेरे पास एक बच्ची आती है, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन मिड एज में, मेरे ख्याल है 8th क्लास में है, बट बहुत जल्दीबाजी करती है. तो अभी हम लोग उसकी व्हील थेरेपी कर रहे हैं. अच्छा। अब धीमे धीमे हमने देखा वो क्या जल्दी से बनाए, क्योंकि वो तो स्मार्ट है, हाँ। दिमाग बहुत तेज चल रहा है, हाँ। लेकिन चीज तो उस हिसाब से नहीं चलेगी, तो वो टूट गया. डिसअपॉइंटमेंट, फिर दोबारा किया. अब जब पांचवी बार सपोज दिया ही उससे बनवाया, जब उसके हाथों में वो जिसे कहते धीमे धीमे रुकावट आई, तो वो उसकी पर्सनालिटी में उसकी मदर ने इस चीज़ को महसूस किया. एक हमारे यहाँ बहुत अच्छे स्कूल हैं, उसकी टीचर आती हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बच्चों की थेरेपी करती हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं. तो उन्होंने बात की कि जैसे बच्चे अपनी बात निगेटिविटी शेयर करते हैं, तो एज अ पर्सन मैं काफ़ी सारी निगेटिविटी ले रहा हूँ, ठीक है, बट मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो वो उसको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे आती हैं. अच्छा। तो वो जिस समय व्हील पे बैठती हैं, तो वो बोलती हैं कि मेरे लिए जो भी मैंने निगेटिविटी ली है, उसको निकालने का ये एक तरीका है. तो ऐसा नहीं है कि पॉटरी सिर्फ आर्ट है, या पॉटरी सिर्फ कला है, या पॉटरी थेरेपी है, वो एक कॉम्बिनेशन है. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से है. हमारे यहाँ योगाचार्य आते हैं, हर्षवर्धन जी, वो योगा को इससे कनेक्ट करते हैं. अभी उन्होंने एक कसार देवी में पूरा रिट्रीट किया. अच्छा। जिसमें आर्ट भी थी, उसमें योगा भी था, उसमें पॉटरी था. तो उन्होंने योगा को पॉटरी को कनेक्ट. अच्छा, किया. बाबा रामदेव को आप देखें, जैसे जो भी लोग जाते हैं इलाज के लिए, वहाँ मड थेरेपी होती है, पूरे शरीर में मड लगाइए. तो सबके लिए ये अलग अलग तरह से है. ठीक है. अब सर थोड़ा सा मैं और इसमें डिटेल में जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी पॉटरी आर्टिस्ट हैं, आप खुद भी बनाते हैं. तो ये मिट्टी जो हमारे नॉर्मली अगर घर की बात करें या सभी वो है, तो वो मिट्टी अलग होती है या थोड़ा सा अलग होती है क्या? सर है? बिल्कुल सेम मिट्टी होती है. वैसे तो मिट्टी कई तरीके की होती है जो आर्ट में यूज होती है, बट अभी जो हम अपने स्टूडियो में मिट्टी यूज कर रहे हैं, वो बिल्कुल यही मिट्टी है जो हमारे लॉन में पड़ी है. हाँ। इसे हम लोग टेराकोटा बोलते हैं. ठीक है. बट हमारे पास ये मिट्टी जो आती है वो दिल्ली से हम मंगाते हैं. ये मिट्टी अभी जो प्रोसेस नहीं है, अब उसको 7 स्टेज में छान के. अच्छा। फिर मशीन में कंप्रेस करके आती है, तो वो सीधे करें. लेकिन अगर हम चाहें तो हम इस मिट्टी को भी वैसे ही बना सकते हैं यहीं पे बना. ठीक है. और जैसे बच्चों के खिलौने के उसमें आती है ना, अगर आप स्टेशनरी शॉप में देखेंगे, हाँ, स्कूलों में आजकल सब वही क्ले भिजवाते हैं, अलग अलग कलर की. अलग अलग वो वही है, अलग है नहीं, वो जो है मल्टी कलर, वो सिंथेटिक है, वो केमिकल है. अच्छा. ये जो है ये प्योर मिट्टी है. तो क्ले तो हुई, इसमें कई तरह कुछ आती है वो ओवन में, लेकिन वो केमिकल प्रोसेस होती है. ये 100% नेचुरल है. जैसे हमने बचपन में, हम लोगों ने तो कह सकते हैं मिट्टी खाई है, आजकल के बच्चे नहीं, हम इसे खा सकते हैं. अच्छा. तो इसमें हम जो आप मिट्टी जैसे जिससे आप कोई मूर्तियां बना रहे हैं, उसमें कुछ गोंद वगैरह मिलाते चिपकाने के लिए, कि वो रहे चिपकेगी कैसे? सर जब मिट्टी को हम बनाते हैं, जैसे इसकी पूरी प्रोसेस है. अभी जो हम बात कर रहे हैं खाली हम कला की बात कर रहे हैं, बट ये बहुत वास्ट है. अब मैं आपको कुछ फोटोज भी शेयर करूंगा. जैसे जब सबसे पहले हमने एक बर्तन बनाया, तो वो हमने मिट्टी से बनाया, फिर वो एयर ड्राई हो गया. मिट्टी में जैसे एक हो गई टेराकोटा हो गई, एक स्टोन वेयर हो गया. स्टोन वेयर वही है जो हम अपने घर में चाइना बोन के कप यूज करते हैं, सेरामिक के कप वो हैं. ठीक है. वो सफेद मिट्टी होती है. अच्छा. ये हमारी टेराकोटा भूरा वाली होती है. जो टेराकोटा है इसको जब हम पकाते हैं, जैसे आप कुल्हड़ का रंग होता है, लाल रंग आता है, वो भट्टी में पड़ने के बाद 800 डिग्री पे टेम्परेचर आता है. अच्छा. और जो सफेद वाली मिट्टी है वो 1200 डिग्री पे पकती है. और वो बिल्कुल कड़ी हो जाती है. जैसे ये भी है तो ये आपका ये सेरेमिक है. अच्छा. ये व्हाइट कलर का जो टेक्सचर आया ये ग्लेजिंग से आता है. अच्छा. उसके बाद हम उसके ऊपर केमिकल रंग के लिए ब्लू नीला काला करके 1200 डिग्री पे पकाते हैं, तो वो एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है. तो आपने बाजार में जो आर्ट पीस देखे हैं वो चीजें, वो मिट्टी से बने, चाहे वो चाइना क्ले से बने या टेराकोटा से बने, उसके ऊपर ग्लेजिंग हुई और वो फिर फिनिश प्रोडक्ट है, वही हम लोग सेल करते हैं. अच्छा. ठीक है. अब जैसे सर आपका इस समय आपका जो गणपति विसर्जन है, वो त्यौहार भी आपका आने वाला है. आप मेरे को उसकी मूर्तियां भी कुछ दिखा रहे थे, तो थोड़ा उस बारे में आप बताना चाहेंगे? सर गणेश जी का हम लोग इस बार, वैसे भी अब काफ़ी ज़्यादा हम लोग सामाजिक रूप से जागरूक हुए हैं कि हमने ऐसी चीज़ों को नदी में नहीं प्रवाह करना है कि इसमें केमिकल जाए, क्योंकि वही पानी रिसाइकिल होकर आता है. तो अब की हम गणेश जी को 100% टेराकोटा, इवन हम उसमें पेंट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वरना लोग डिज़ाइन के लिए गोल्डन वगैरह पेंट करते हैं. तो हमने प्योर टेराकोटा की मूर्तियां बनाई हैं, जिनको हमने पानी में डाला या हमने घर में बाल्टी में भी डिप किया. जो मिट्टी हुई उसको बाद में आप गमले में डाल के उसमें बीज डाल दीजिए, तो वो गणेश जी वाला पर्पज़ भी हो कि हमने उनको विसर्जित भी किया और वो याद में हमारे पास भी, हमने उसमें पेड़ उगा लिया. ठीक है. चलिए. तो व्यूवर्स, अगर आपको सर से गणपति विसर्जन की जो आपकी मूर्तियां हैं वो आपको लेनी हो, या सर से पॉटरी और में कुछ भी जानना हो, तो सर के जो सोशल मीडिया लिंक हैं वो नीचे आपका दिया हुआ है. हल्द्वानी में जो स्टूडियो है उसका एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जरूर जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं. सर थोड़ा सा और आगे हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे.
कि जो आपने जैसे इसके बारे में बताया कि स्ट्रेस रिलीज वाला, तो इसमें कुछ और भी आप बता सकते हैं कि जैसे अगर हमारे छोटे बच्चे हैं, जैसे हम स्क्रीन टाइम की बात कर रहे हैं, उनके पास वो ऑप्शन ही नहीं है, या मदर फादर पेरेंट्स के पास भी शायद ऑप्शन नहीं है बिल्कुल कि वो कहाँ पे लगाए, क्योंकि जैसे अगर कोई अगर मतलब हाउस वाइफ हो, खाना बना रही है, ठीक है, बच्चा रो रहा है, भाई मोबाइल पकड़ ले, पिताजी के अपने ऑफिस के काम है, भाई मोबाइल पकड़ ले, तो उसमें उनको भी शायद पेरेंट्स को भी फायदा होगा। तो कुछ और भी आप बता सकते हैं, कुछ किस तरीके के एग्जाम्पल आपके पास हैं? बहुत अच्छी बात करी सर आपने। एक्चुअली हम बच्चों से शिकायत करते हैं कि वो मोबाइल ज्यादा है, पर मोबाइल हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए दिया। बिल्कुल, हम और आप कोई काम कर रहे हैं, बच्चा हमें डिस्टर्ब ना करे, तो मैं इसको बोलता भी हूँ कि स्क्रीन टाइम इसलिए नहीं है कि बच्चा कंज्यूम कर रहा है, स्क्रीन टाइम इसलिए है कि हम बच्चे को ऑप्शन नहीं दे, ऑप्शन नहीं दे। बच्चा स्कूल में लेके गया, नहीं आया, घर में आने के बाद हम उससे क्या करा रहे हैं? पहले के टाइम में आप देखिए, जो जिस एज में हम लोग हैं, हम आने के बाद थोड़ी सी टीवी थी, हम धूप में क्रिकेट खेल रहे हैं, हम बैठ के दिवाली के टाइम 5 दिन पहले से हम एक घर बनाते थे, उसमें दिया जलाते थे, झालर, मैंने तो झालर भी सर खुद बनाई है। तो हमारे पास इंगेजमेंट की इतनी चीज़ें थी कि हमारे पास टाइम ही नहीं था, मोबाइल भी भगवान की दया से नहीं था, टीवी थी उस पर भी रिस्ट्रिक्शन था। अब हम बच्चे को बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, सेफ्टी के रीजन से जाने नहीं दे रहे, हम उसके साथ बैठ के कैरम, मेरे पापा बैठ के कैरम चेस खेलते थे। कितने पेरेंट्स हैं हमारे जो ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे हमारा इवॉल्व हो रहा है, सोसाइटी का भी इवॉल्व हो रहा है, हल्द्वानी में बहुत सारे सेंटर हैं जो ड्राइंग सिखा रहे हैं, बहुत सारे सेंटर हैं जो नृत्य सिखा रहे हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो पॉटरी करा रहे हैं। आप अपने बच्चे के लिए एक ऑप्शन चूज करिए, आप उसको वो कराइए। अगर आप वहाँ भेज रहे हैं, आप बिलीव मानिए, मेरे पास 5 साल से लेके 70 साल के लोग आते हैं, और उस ड्यूरेशन में ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आते हैं जिनका फोन रुकता नहीं है। लेकिन जब आपके हाथ में मिट्टी लगी और आपको मजा आ रहा है, सर आप फोन दबा के कहते हैं मैं कॉल करूंगा आपको, तो ये चीज है कि जब बच्चा और बड़ा कनेक्ट होता है। तो इसी तरह से पॉटरी में हमारा एक बहुत बड़ा मोटिव है, हम लोगों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये कि जितना भी, मेरे पास जर्मनी के 2 बिटिया लोग आए थे, तो वो यहाँ पे उनका ननियाल है, वो आए तो वो यही बता, हमारे यहाँ के 8th, 9th और 10th के बच्चे आते हैं, इनिशियली वो उतना अच्छा नहीं कर पाते, दे आर वेरी गुड इन इंग्लिश, दे आर वेरी गुड इन मैथ्स, लेकिन अदर चीज़ों में उनका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जो हॉलिस्टिक पढ़ाई है, और उन बच्चों को हमने थोड़ा बताया, ज़्यादा किया तो हमें डाउट हुआ, तो मैंने पूछा कि वो कहाँ पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बताया जर्मनी के, तो बोले आपने क्यों पूछा? मैंने कहा कि पहली क्लास में अगर बच्चे को मैं समझा रहा हूँ, तो बोले नहीं वहाँ पे इनके यहाँ रेगुलरली इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा हैं तो उतना नहीं कर पाए, तो मुझे लगा यहाँ पे मैं करवा लूँ। ठीक है, तो वहाँ पढ़ाई के साथ इन चीज़ों को मिलाया गया, यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हो रहा है। उन्होंने तरह तरह का वोकेशनल कोर्स किया है जिसमें पॉटरी भी एक है, हम काफ़ी सारे यहाँ स्कूलों में करा रहे हैं, पॉटरी करा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें, कारपेंट्री भी है उसमें, ब्यूटिशियन भी है, ताकि बच्चों को एक ऐसी रोजगार उन्मुख चीज़ें भी दी जाएँ। भाई सारे स्कूल प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ रहे हैं अच्छे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में भी ऐसे लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। बच्चा इस तरह का कोई चीज़ 6th, 7th, 8th, 9th में पढ़ के अपनी फीस भर का भी पैसा जुटा लेता है, तो वो पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो सरकार इस दिशा में सोच रही है और स्कूल बहुत अच्छे से इसको उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, हमारा सेंटर इसीलिए है कि आपको स्ट्रेस रिलीज करना है आप तब भी आइए, आपके बच्चे को मोबाइल रिड्यूस करना है आप तब भी आइए, और आपको एक लॉन्ग टर्म में आप बचपन में सीखना चाहते थे और नहीं सीख पाए तब भी आइए। ठीक है सर, जैसे अभी आप बता रहे हैं ना स्कूलों में भी ये होती है, आप ये वर्कशॉप जो है आप वो करवाते हैं, तो थोड़ा सा उस वर्कशॉप के बारे में बताएंगे कि आप जैसे स्कूलों में अगर कोई यहाँ पे प्रिंसिपल देख रहा है, कोई टीचर आपके देख रहे हैं, तो वो अगर वो करवाते हैं अपने स्कूल में ये वर्कशॉप, तो उनको क्या क्या यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेंगे, क्या वर्कशॉप का डिज़ाइन क्या है? सर जैसे हमारे पास वर्कशॉप में मेनली पॉटरी की बात करूँ तो इसके 3 मेन सेगमेंट है। ठीक है, एक हैंड बिल्डिंग है, एक व्हील थ्रोइंग है, और एक स्लिप कास्टिंग है। हैंड बिल्डिंग की मेन 3 एक्टिविटीज़ हैं जिसमें पिंचिंग हो गया, कॉइलिंग हो गया। अब पिंच एक टेक्निक है जिसमें हमने हाथ से पिंच किया, उसमें हम कप भी बना सकते हैं, इसमें हम बाउल भी बना सकते हैं, इसमें हम गणेश जी भी बना सकते हैं, हमने कल ही वर्कशॉप में बनाया। ऐसे कॉइलिंग एक टेक्निक है, जैसे हमारी मदर लोग पूजा की बत्ती बनाती थी,
उससे आपने ड्राइंग किया, तो यानी पिंच किया आपने, फिर क्वाइल किया स्लैब। अब ये रूम है, इसमें 1, 2, 3 अच्छा 5 ये 6 स्लैब से बना है। स्लैब माने सीधा सीधा एक पट्टा। हाँ, हाँ। तो हम एक स्लैब बनाते हैं, उसके ऊपर हम टाइल भी बना सकते हैं, उनको जोड़ के हम एक पेन स्टैंड भी बना सकते हैं, और उसी को जोड़ के हम गणेश जी भी बना सकते हैं। आर्ट है ये, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ और इस टेक्निक को यूज करके बना सकता हूँ, तो पिंच हो गई, क्वाइलिंग हो गई, स्लैब हो गई, ये हो गया हैंड बिल्डिंग का पार्ट। अब इसमें जब बच्चे कर रहे तो उसकी आईज हो गई, कान हो गए, हाँ मैं उसको बोल रहा हूँ कि क्वाइल बनाना है, उसका अच्छा। कान यूज हो रहा है, हाथ वो लगा रहा है, आईज से देख रहा है, मैं उसे दिखा रहा हूँ, तो इंटायर कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, हम व्हील कराते हैं, व्हील जैसे ट्रेडिशनल व्हील था पहले, कुमार का ट्रेडिशनल चक्का, हाँ, उसके ऊपर हाँ, मिट्टी हाँ, रखी हाँ, बनाई हाँ, अब वो बहुत इवॉल्व हो गई है, उसका इलेक्ट्रॉनिक व्हील है और हम उस पर बनाते हैं, उस पर आप सारी चीज़ें बना रहे हैं। अब हमने दो प्लेट बनाई, आपको लग रहा है हमने बर्तन बनाया, बर्तन एक कमोडिटी है, अगर आप बाजार से जाएं तो आप कहेंगे 5 की भी मिल जाएगी, 25 की मिल जाएगी, बट मैंने एक प्लेट को दूसरी प्लेट को जोड़ा, उसके बाद उसमें सूंड लगाई, फिर उसमें मैंने कान लगाया, अब वो एक हाथी बन गया। अब वही जो प्लेट मैं 100 रुपए की बेच सकता था, जो मैं कटोरी को 50 रुपए की बेच, सपोज मान ले बेच लें, अब वही जो मैंने गणेश जी बनाए या हाथी बनाया वो मैं 2000 का बेचा। तो अगर मैंने उसी चीज में ड्रॉइंग डाल दी तो वो आर्ट हो गई, और आर्ट की कीमत है, ठीक है, बर्तन की कीमत नहीं है। जैसे अभी भी हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत अच्छी आर्ट करके जाते हैं, फिर हम उनके कमेंट बॉक्स में पढ़ते हैं, बता तू कुल्हड़ बना रही, तो घड़ा बना दे मेरे लिए। तो एक्चुअली हमने पॉटरी को अभी भी कुल्हड़, घड़े के ऊपर दियों की तरह दिए करें, की तरह वो भी बहुत मिल जाते, रिस्पेक्ट है सर। और उन लोगों के लिए, मतलब जब हमारे यहाँ बच्चे आते हैं तो हम उनको मैसेज भी देते हैं कि दिवाली के बाद जिस दिए को आप 2 रुपए का 1 रुपए का फेंक देते हैं, आप देखो बनाने में कितना टाइम, कितना रिसोर्स लगता है। अब जिसका अपना एक बनाया हुआ पॉट सर गिरता है ना, उसके दिल पे चोट लगती है, तो ये कीमत नहीं है, ये वैल्यूज है, इससे हमें भी पहले नहीं पता था। मेरी उस कुम्हार के लिए रिक्वेस्ट, जिसे कहते हैं ना एक रिस्पेक्ट बढ़ी है कि यार ये कितना है, पर हमारे लिए अगर हम इसको आर्ट से जोड़ लें तो अर्निंग भी बढ़ाई जा सकती है। अच्छा ठीक है, अब अर्निंग बढ़ाने के ऊपर थोड़ा सा आप और यहाँ पे डिटेल में बताना चाहेंगे कि अगर कोई है जो आपके यहाँ पे जो कोर्स है वो आपका करके जाता है, वर्कशॉप करता है, तो वो किस फील्ड में फिर आगे जा सकता है, क्योंकि आप तो सेल्स मार्केटिंग वाले बिल्कुल, हैं बिल्कुल। तो कैसे उसको थोड़ा सा वो आगे करें? मैं सर करूँ, हमारे यहाँ से अब तक 4 से 5 लोग हैं जो करके गए, बेसिक फाउंडेशन हमने उनको कराया, बड़े बड़े रिट्रीट हैं जहाँ भी ये जा रहे हैं। अब जैसे अभी अब मैं इसको करूँ होटल्स है, बहुत सारे होटल हैं जो अब पॉटर को रेगुलर रख रहे हैं। मैं ये नहीं बात करता हूँ कि स्कूल में हो गया, एज पर NEP आपके पास ड्राइंग का टीचर है, अगर आपने पॉटरी ली है तो आपको एक पॉटर रखना है, आपने पॉटरी सीखी, आपने स्कल्चर सीखा, पॉटरी और स्कल्चर जो अलग अलग है, जो शक्ल सूरत बना रहा है वो स्कल्चर में आया, जो मशीन पे और पॉट बना रहा है वो, हालांकि दोनों लोग दोनों कर सकते हैं, तो उसमें आपकी एक आपका जॉब प्लेसमेंट है कि आप स्कूल के टीचर रह सकते हैं। होटलों में क्या है कि होटल में लोगों ने एक पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ पे आप होटल में रह रहे हैं, खा रहे हैं, उसके साथ आप पॉटरी, आप बड़े बड़े 5-स्टार होटल जाइए, जिम कॉर्बेट में ऐसे 4-5 होटल मैं जानता हूँ जो जिन्होंने रेगुलर पॉटर रखा हुआ है। यह आर्टिस्ट तो महंगा होता है तो उन्होंने कम बजट के लिए पॉटर रखा, जहाँ हम लोगों का बजट है, मेरा बंदा जो है बैचलर्स है फाइन है तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन कोई कोर्स करके गया बेसिक और उसको मैं कहता हूँ कि महीने के 12,000-15,000 भी मिल जा रहे हैं तो उसको क्या बुरा है, तो वहाँ भी सर मिल जाता है इस तरह का। चलिए बहुत बढ़िया सर, आप बहुत अच्छी यहाँ पे बातें होते हैं, और कुछ बताना चाहेंगे आप? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट मेरा जब देखा था चैनल तो मैं आपका चैनल फॉलो कर रहा था, आपने ये काम तब शुरू किया था जब लोग यूट्यूब समझते नहीं थे, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं कैरियर के लिए अलग अलग, मैं बहुत खुशी का बात हूँ कि आपके साथ बैठने का मौका मिला, थैंक यू सो मच। तो व्यूवर्स आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसे हमें आशा है, तो आप भी अगर अपना स्ट्रेस रिलीज करना चाहते हैं या फिर आपके मन में भी एक दबी हुई इच्छा थी कि आपको मिट्टी के बर्तनों से रिलेटेड कुछ आपको काम करना है या मिट्टी से जो आपको आर्ट बनानी है, डिजाइन बनानी है, तो आप निश्चित तौर पर विनय अस्थाना जी से संपर्क कर सकते हैं, सारे सोशल मीडिया लिंक और एड्रेस जो है वो नीचे दिया हुआ है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।